Now pay attention here. देखो, our question was we have to calculate the area, okay? और area calculate करने के लिए उन्होंने formulas भी दिए थे. अब because ये program हम function overloading से बना रहे हैं, we are making this program by using the function overloading, so we have to keep the same name of the methods, okay? तो अभी first method बनाया area, okay? Then two parameters, integer के int a comma int b, okay? अब देखो मैंने integer के दो parameter दे दिए, first parameter integer, second parameter integer. तो ध्यान देने की बात ये है कि next कोई भी method मैं ऐसा नहीं बनाऊंगी जिसमें कि दोनों parameter first भी integer का हो और second भी integer का हो. अदरवाइज सिग्नेचर सेम हो जाएंगे और फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होगी. ओके, सेम मेथड नेम बट द डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट. तो वो डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट होनी चाहिए, इंट ए इंट बी. ओके, ऐसा भी नहीं कर सकती मैं कि इंट बी इंट ए, वो भी नहीं. वेरिएबल नेम से मतलब नहीं है क्योंकि डेटा टाइप से मतलब है. तो इंट ए इंट बी दो इंटीजर के पैरामीटर. हाँ, ऐसा जरूर कर सकती हूँ इंट ए और डबल बी. ओके, फिर किसी नेक्स्ट में डबल ए और इंट बी, एज ए सीक्वेंस ऑल्सो आई कैन चेंज. ओके, बट डायरेक्टली इंट और इंट दोनों इंटीजर के पैरामीटर में अब एक साथ नहीं ले सकते. ओके, तो अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट किया है, ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइड बाय टू. देखो ये हेरोंस फॉर्मूला नहीं है, और क्वेश्चन में भी नहीं पूछा था हेरोंस फॉर्मूला. तो जो क्वेश्चन में जो फॉर्मूला दिया है वही हमने किया है. देन एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ ए की पैरामीटर की जरूरत है. ओके, सो ए मल्टीप्लाई बाय ए. देन एरिया ऑफ द सर्कल, यस सर्कल के लिए भी मुझे ए की पैरामीटर की जरूरत है, राइट? ए की पैरामीटर की जरूरत है, मींस मुझे ओनली रेडियस की वैल्यू चाहिए ना. तो अगर मैं यहाँ पर डबल आर मैंने लिखा है तो ये करेक्ट है, पर अगर मैंने यहाँ पे इंट आर लिखा होता तो ये रॉन्ग हो जाता. क्यों? क्योंकि ऊपर वाले पैरामीटर में देखो, ऊपर वाले मेथड में क्या है, वॉइड एरिया इंट ए, मींस इंटीजर का वन ए, ओनली वन पैरामीटर. तो अगर यहाँ पे भी मैंने वॉइड सेम, एरिया सेम और इंटीजर का इंट आर भी लिखा होता ना, तो भी रॉन्ग हो जाता, क्योंकि इंटीजर का वन पैरामीटर में दोबारा से नहीं डाल सकती. ओके, दैट्स व्हाई डबल आर. तो ये ए की पैरामीटर मगर डबल डेटा टाइप का. फिर देखो वॉइड एरिया सिलेंडर का कैलकुलेट करने के लिए इंट एच और डबल आर. अभी मैं यहाँ पे इंट एच और इंट आर नहीं डाल सकती क्योंकि ऑलरेडी दो इंटीजर के पैरामीटर्स मैंने ऊपर डाल दिए हैं, इंट ए और इंट बी. ओके, और यहाँ पे इंटीजर के दोनों पैरामीटर नहीं डाल सकती मैं, ठीक है? दैट्स व्हाई इंट एच और डबल आर, राइट? अभी दोनों डिफरेंट हो गए ना, जैसे कि ये ए स्क्वायर और सर्कल का डिफरेंट हो गया, सेम वैसे ही ये रेक्टेंगल ट्राइंगल और सिलेंडर का डिफरेंट हो गया. देन इसके बाद इंट ए और लॉन्ग बी, अगेन मैं यहाँ पर दोनों इंटीजर के नहीं ले सकती. हाँ, ऐसा जरूर मैं ले सकती थी डबल ए और इंट बी, वो मैं कर सकती थी. मतलब कि सीक्वेंस चेंज कर सकते, जैसे यहाँ पे पहला वाला इंटीजर का है, दूसरा वाला डबल का है सिलेंडर के अंदर. ओके, सिलेंडर वाले मेथड में फर्स्ट पैरामीटर इंटीजर का है, सेकंड पैरामीटर डबल का है. ओके, तो यहाँ पे भी हम ऐसा कर सकते थे, इंट ए और डबल बी जैसे किया है वो करेक्ट है, और इंट बाद में रख के डबल पहले रख के, मतलब कि सीक्वेंस से भी चेंज कर सकते हैं हम पैरामीटर्स. ओके, देन नाउ द टर्न ऑफ द कॉलिंग. तो सबसे पहले क्योंकि मैंने सारे मेथड इंस्टेंस मेथड बनाए हैं, तो यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. ओवरलोड वन क्लास का नेम था, ओबीजे इक्वल्स टू न्यू ओवरलोड वन. ओके, दिस इज द मेथड. देन देखो ओबीजे एरिया, अब मैंने पहला जो कॉल किया 5, 3, तो कौन सा मेथड कॉल होगा जिसमें कि दोनों पैरामीटर इंटीजर के होंगे, मींस फर्स्ट वाला ट्राइंगल का. फिर ओबीजे डॉट एरिया 5, ओके, तो कौन सा कॉल होगा जो कि ओनली वन इंटीजर का पैरामीटर है, मतलब कि स्क्वायर का. फिर देखो उसके बाद 8.0d, मींस जिस भी
मेथड के अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर है डबल का, मतलब कि सर्कल का. ओके, देन उसके बाद 5, 3.0 डी, इसका मतलब 5 इंटीजर का और 3.D डबल का, तो मींस ये सिलेंडर वाला कॉल होगा. देन उसके बाद ओबीजे एरिया 5.8. ओके, तो अभी 8 है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एल भी लिख सकते हैं, 8L, तो वो लॉन्ग की वैल्यू कंसीडर हो जाएगी. ओके, नाउ कंपाइल इट. Then execute. देखो, ठीक है, understood? Same question जब return करा के करना हो. Okay, means question में सिर्फ इतना सा change कि write a program to return the area. सिर्फ इतना सा change. तो पहले हमने प्रोग्राम में क्या लिखा था, पब्लिक वॉइड एरिया. ओके, तो मींस ये जितने भी मुझे मेथड बनाने हैं वो वॉइड से नहीं बनाने, वॉइड से बनाने होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वॉइड से अगर मैंने बनाया तो मेथड इज नॉट गोइंग टू रिटर्न द वैल्यू, बिकॉज वॉइड इज द कीवर्ड बाय विच वी कैन टेल टू द कंपाइलर कि मेथड इज नॉट गोइंग टू रिटर्न द वैल्यू, राइट. पर अभी मैंने लिखा इंट, इसका मतलब मेथड इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा. ओके, फिर यहाँ पे वापस से इंट, वॉइड की जगह पे इंट, मींस ये मेथड कैलकुलेट करने के बाद किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा वो डेटा टाइप हमें यहाँ लिखना होता है. और मेथड की बॉडी में लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न की होती है, तो ये मेथड कैलकुलेट करके ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेगा a प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो जो भी रिजल्ट होगा वो रिटर्न करेगा, तो इसलिए रिटर्न कीवर्ड के साथ. तो रिटर्न इज द कीवर्ड यूज टू रिटर्न द वैल्यू. ओके, सो रिटर्न a प्लस बी डिवाइड बाई 2. ओके, सेम हियर स्क्वायर में रिटर्न a, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट एसओपी की जगह पे मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लगाना है. ठीक है, एसओपी की जगह पे रिटर्न स्टेटमेंट लगाना है और वर्ड की जगह पर डेटा टाइप लगाना है. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर तुम फोन पर हो तो, बिकॉज अभी 5 मिनट में स्क्रीन 5 मिनट में मीटिंग ओवर होगी. ओके, देन डबल एरिया, यहाँ पे डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करवाया. देखो, उसने पहले कैलकुलेट कर लिया देन रिटर्न वॉल्यूम, ऐसा भी कर सकते हैं. डायरेक्टली रिटर्न स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं और किसी एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करा के उस वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न भी करा सकते. बोथ मेथड्स आर सेम. ओके, एंड बोथ दी मेथड्स आर करेक्ट. ऊपर वाला जो डबल एरिया है सर्कल का वो ऐसे भी लिखा जा सकता है और नीचे वाला जो सिलेंडर का है वो भी ऐसे लिखा जा सकता है. देन लॉन्ग एरिया, इसमें इंट ए और लॉन्ग बी. ओके, सेम है सब कुछ, सिर्फ एसओपी की जगह पे रिटर्न लगाया है और वॉइड की जगह पर रिटर्न टाइप लगाया है. अब कौन सा रिटर्न टाइप लगेगा, जिस भी डेटा टाइप की कैलकुलेशन हो रही है तो वो देखो कि कौन से डेटा टाइप में वैल्यू रिटर्न हो सकती है, मींस रिजल्ट किस डेटा टाइप में आएगा, तो वही रिटर्न टाइप हो जाता है. नीचे करो डाउन. नाउ द कॉलिंग. कॉलिंग कैसे करनी होगी, सीधे सीधे ऑब्जेक्ट बनाना है, देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल और ओबीजे डॉट एरिया, बस इसी के अंदर आकर के यहीं पे ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट डॉट एरिया और पैरामीटर पास कर देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट के अंदर. एसओपी के अंदर ही मेथड की कॉलिंग करनी है, इसके पहले वाले में एसओपी के अंदर कॉलिंग नहीं की थी, मेथड के अंदर एसओपी लिखा था, मगर जब रिटर्न से बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट की कॉलिंग एसओपी के अंदर करते हैं. बस जितनी भी तुम्हें कॉलिंग करनी उतने एसओपी दे सकते हो, इसने न्यू लाइन कैरेक्टर यूज करके किया है ऐसा, वो भी सही है, ऐसा भी हम कर सकते हैं. ओके, नाउ एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. ये देखो सेम, नीचे वाले से देखो, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, यहां से ट्राइंगल स्क्वायर सर्कल सिलेंडर एंड रेक्टेंगल. ओके, अंडरस्टूड.
फिर से कोडिंग दिखाऊं, सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि जब भी हम रिटर्न कर रहे हैं तो वैल्यू जो रिटर्न होती है तो इसके लिए रिटर्न कीवर्ड लगाना है, एसओपी नहीं लगा के रिटर्न कीवर्ड लगाना है, और वॉइड की जगह पर रिटर्न टाइप लगाना है, सिर्फ इतना। और कॉलिंग में एसओपी लिखनी है और उसी के अंदर मेथड को कॉल कर लेना है, तब रिटर्न वाला आ जाएगा। ओके, नाउ एवरीवन विल